नमस्कार. नृत्य देवता नटराज व उपस्थित सर्व मान्यवरांना, गुरुजनांना मी अमीरा पाटणकर अभिवादन करते. आणि आपणा सर्वांचे आजच्या फागुन उत्सवात स्वागत करते. फाल्गुन महिन्यासारखाच हा उत्सव देखील नृत्य, संगीत, रंग, उल्हासाने परिपूर्ण असेल. An evening of joy, color, spirit and splendor. तीन कलोपासक संस्थांच्या सहकार्याने हा महोत्सव आज साकारला आहे. कथक केंद्र दिल्ली, नंदकिशोर कल्चरल सोसायटी व भारतीय विद्याभवन इन्फोसिस फाउंडेशन पुणे या तीनही संस्थांचे प्रमुख इथे आज उपस्थित आहेत. वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव विथ अस टुडे श्रीमती उमा डोगराजी, द चेअरपर्सन ऑफ कथक केंद्र, अँड श्रीमती प्रणामी भगवतीजी, द सेक्रेटरी ऑफ द डिरेक्टर ऑफ कथक केंद्र, द पावर वुमन ड्युओ इफ आय मे कॉल देम सो. वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हॅव विथ अस टुडे श्री नंदकिशोर कपोतेजी ऑफ नंदकिशोर कल्चरल सोसायटी अँड श्री नंदकुमार काकरडेजी ऑफ भारतीय विद्याभवन. यांच्या शुभ हस्ते आपण दीप प्रज्वलन करून आजच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करूया. आय रिक्वेस्ट द फोर डिग्नेटरीज टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज फॉर द लाइटिंग ऑफ द लॅम्प. May this light illuminate the path to new beginnings, to new possibilities, and to new horizons. I request the dignitaries to kindly be seated at the dais. भारतीय विद्याभवनचे प्राध्यापक, संचालक व मानद सचिव श्री नंदकुमार काकिर्डे यांना मी आपले मनोगत व्यक्त करण्यास आमंत्रित करते. नमस्कार. भारतीय विद्याभवन आणि इन्फोसिस फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक प्रसार कार्यक्रमात मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. भारतीय विद्याभवन आणि इन्फोसिस फाउंडेशन यांच्या वतीनं गेली अनेक वर्ष आम्ही अनेक सांस्कृतिक प्रसार कार्यक्रमाच्या अंतर्गत विविध प्रकारचे कार्यक्रम सादर करत असतो आणि मला सांगायला आनंद आहे की आजचा कार्यक्रम हा त्यातला 153वा कार्यक्रम आहे. आय एम व्हेरी हॅपी टू इन्फॉर्म यू दॅट दिस इज 153rd प्रोग्राम अंडर भारतीय विद्याभवन इन्फोसिस फाउंडेशन अँड आय एम रिअली हॅपी ऑन द ऑकेजन ऑफ होली. कथक केंद्र, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कथक डान्स, न्यू दिल्ली, वी हॅव गॉट अन अपॉर्च्युनिटी टू इन्व्हाइट देम अँड परफॉर्म दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम इन असोसिएशन विथ नंदकिशोर कल्चरल अकॅडमी. नंदकिशोर कपोते हे पुण्यातलेच आहेत, आपल्या सगळ्यांच्या चांगल्या परिचयात आहेत. त्यांनी मला असं सांगितलं की आपण हा कार्यक्रम करूया. म्हणलं ही मोठी संधी आपल्याला आहे की एक चांगले कलाकार आपल्याकडे इथून प्लॅटफॉर्मवर आता होळीच्या निमित्तानं फागुन हा कार्यक्रम करतायत. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. ही दिल्ली में काम करणे वाले हे सब बडे लोग है कथक केंद्र के. सो आप हमेशा इधर आ जाइए, दिस प्लॅटफॉर्म इज ओपन टू यू ऑल द टाइम. So we need this kind of, because we need artists to come and perform here.
So on request of Bharatiya Vidya Bhavan and Infosys Foundation, on behalf of them, I request you, you keep association with Bharatiya Vidya Bhavan, Nandakishore sir. So we will perform more and more programs on various occasions. Thank you very much. आपण सगळे इथे आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आमच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही सर्व कलाकारांना प्रमाणपत्र आणि ज्ञानेश्वरीची प्रत देतो. पण आता हा कार्यक्रम सुरू असताना आम्ही त्यानंतर हा प्रमाणपत्र आणि प्रत देणार आहोत ज्ञानेश्वरीची आणि मॅडमचंही स्वागत करणार आहोत. आधी आपण ह्या दिल्ली केंद्राच्या ज्या दोन एक अध्यक्ष आणि एक संचालिका आल्यात कथक क्षेत्रामध्ये फार मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे तर मी त्यांचं पुन्हा एकदा आपल्या भारतीय विद्याभवनतर्फे स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नंदकिशोर कल्चरल सोसायटीचे सर्वे सर्वा डॉक्टर नंदकिशोर कपोते सर आपल्या संस्थेच्या मार्फत अनेक नृत्यविषयक कार्यशाळा महोत्सव कार्यक्रम लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन्स आयोजित करत आलेले आहेत व 1983 म्हणजे गेली 40 वर्ष अखंड त्यांची संस्था कार्यरत आहे. नुकताच जाहीर झालेला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या पुरस्काराने ते त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं आपण स्वागत करूया आणि त्यांना दोन शब्द बोलण्याची विनंती करूया. नमस्कार. खूप आनंद होतोय आपण सर्वजण आज येथे कार्यक्रमाला आलेला आहात. आज एवढा सुंदर सोहळा कार्यक्रम हा इथे सादर होतो आहे आणि कथक केंद्र हे राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था आपल्या इथे पुण्यामध्ये एवढा चांगल्या पद्धतीने आणि होरीवर आधारित फागून हा कार्यक्रम सादर करत आहे त्यामुळे विशेष आनंद होत आहे. मीही कथक केंद्राचा विद्यार्थी आहे. 1977 सालापासून कथक केंद्रामध्ये मी शिकायला सुरुवात केली. जवळजवळ 10 वर्ष मी कथक केंद्रामध्ये होतो. त्याच आणि तिथे मला मी पंडित बिरजू महाराजांकडे तिथं कथक नृत्य शिकलो आणि मला म्हणून कथक केंद्राशी मला विशेष प्रेम आहे की जिथे मी संपूर्ण घडलो गेलो माझ्यावर संस्कार झाले त्यामुळे कथक केंद्राचं आणि माझं नातं हे अगदी अतूट आहे. आणि त्यामुळे आज कथक केंद्राबरोबर कार्यक्रम करताना खरोखरच खूप छान होतं आहे आणि मला असं वाटतं की खूप सुंदर ही संधी मिळालेली आहे की मी आज कथक केंद्राच्या सर्व कलाकारांना येथे बोलावून इथे मी कार्यक्रम आपल्या समोर सादर होत आहे. तर त्याचप्रमाणे आमच्या उमा डोगराजी विदुषी उमा डोगराजी आपल्या कथक केंद्राच्या नवीन चेअरपर्सन आहेत त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो की नुकतीच आता त्यांची इथं नियुक्ती झालेली आहे आणि त्या आणि त्याचबरोबर आमच्या नवीन कथक केंद्राच्या डायरेक्टर प्रणामी भगवतीजी उनको भी बहुत बहुत बधाई. आणि एवढं चांगलं काम यांनी सुरू केलेलं आहे. अनेक कार्यक्रम आणि युवांवरती युवा महोत्सव असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम केवळ मला वाटतं 1 महिना झाला असेल 1.5 महिन्यामध्ये त्यांनी एवढी सुरुवात केलेली आहे. आणि यापुढे तर त्या अनेक त्यांच्या समोर योजना आहेत. आज सकाळी खूप सुंदर असं सेशन झालं आपल्या तिथे नंदकिशोर कल्चरल अकॅडमीमध्ये. तिथं पुण्यातील सर्व कलाकार तिथे आले होते आणि बऱ्याच गोष्टी चांगल्या तिथं घडलेल्या आहेत. तर त्यामुळे खरोखरच खूप आनंद होतो आहे. आपण इथे सर्वजण जमला आहात यांनी परवानगी दिली इथे कार्यक्रम करायला त्यामुळे मी सगळ्यांचा खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. We are also blessed to have amongst us the chairperson of Kathak Kendra, Shrimati Uma Dograji. Shrimati Uma Dograji ya Jaipur gharanyacha jeshtha va shreshtha kathak nrutyangana nrutya digdarshak ani nrutya guru ahet. Tanni Samavet Society for Performing Arts chi sthapana karun kalanna satat protsahan dilele ahe 1990 salapasun. Ya samsthe antargat dar varshi पंडित दुर्गालाल महोत्सव रेनड्रॉप्स महोत्सव आयोजित केला जातो.
त्यांनी अनेक नृत्य महोत्सव जसे की खजुराहो, मरगाजी फेस्टिवल अशा महोत्सवात आपली नृत्य प्रस्तुती केलेली आहे. त्यांना 2014 साली संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तसेच त्यांनी इन प्रेज ऑफ कथक नावाचे पुस्तक लिहिलेले आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर कथक नृत्य मंदिराच्या त्या एक खंबीर स्तंभ आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. मी श्री काकरडे सरांना विनंती करते की त्यांनी उमा डोगराजींचा सन्मान करावा. दीदी, मे आय काइंडली रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स. मेरा सभी को प्रणाम. मेरे बारे में जब ये कुछ बोल रही थी बिटिया, तो एक एक लाइन कहना भूल गई जो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, कि मैं एक बहुत अच्छी शागिर्द हूँ, बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, जो सब लोग भूल जाते हैं बताना. शायद मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ जितनी अच्छी मैं शागिर्द हूँ. तो यस, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकेडमी एंड नेशनल कथा केंद्र, आई वेलकम यू ऑल हेयर एंड थैंक्स टू मिस्टर नंद कुमार जी, नंद किशोर कपोते जी और आप सब जो गुणी जन सामने बैठे हैं, आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे पधारे. मैं हमेशा से, जब मैं सामवेद के लिए काम कर रही थी, हमेशा से मेरे मन में ये रहता था कि मैं क्या करूँ अपनी कम्युनिटी के लिए. अपने, मैं 30 साल की थी जब मेरे गुरुजी चले गए, तब से मैं अपनी संस्था के थ्रू मैंने आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट किया. रेन ड्रॉप्स में मैंने कम से कम भी नहीं तो 430 डांसर्स है परफॉर्म्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म. बट फिर भी एक हमेशा मुझे लगता था कि नहीं, अब और क्या आगे. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम ऑनर्ड दैट आई गॉट दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन गिव माई सर्विसेज नाउ ऑन ए वेरी ऑन ए वास्ट लेवल, यू नो. जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम पूरे विश्व को, विश्व के साथ चलें और पूरे देश को एक संगठन में लेके चलें, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है कि इस देश के जिस जिस कोने में एक कथाकार विराजमान है, हम सब गैदर होके एक साथ, अब एकजुट होकर काम करें. और ये कथा केंद्र का, ये जो आप इसको चेयरमैन शिप बोलें या कुछ भी बोलें, मेरे को उससे कोई लेना देना भी नहीं था वैसे तो, ना अभी है. पर मेरा मकसद अब यही है कि हम सब लोग मिलकर अपने कथक जगत को और सुंदर बनाएं, साफ बनाएं. और एक और जो चीज़ मैं भूल गई शुरू में कहना, कि मैं बहुत तहे दिल से महाराष्ट्र के ये दो गुणी आर्टिस्टों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, श्रीमती शमा भाटे जी एंड श्री नंद किशोर कपोते जी, फॉर हैविंग संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिस ईयर. प्लीज गिव देम ए बिग हैंड. इट्स ऑनर टू नॉट दिस टू आर्टिस्ट, दिस ऑनर इज टू द होल महाराष्ट्र, बिकॉज अवर महाराष्ट्र डांसर्स आर बीइंग ऑनर्ड बाय द नेशन. एंड थैंक यू वेरी मच. मेरी अभी अचानक सामने नज़र गई तो मुझे कुछ अपने आर्टिस्ट लोग भी दिखाई दिए. मेरा प्रणाम मनोज जी. थैंक यू. अब आपका आजकल पुणे वासी हो गए, हमें छोड़ गए बॉम्बे से. थैंक यू वेरी मच. बस करती हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच उमा जी. वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट टू हैव विद अस श्रीमती प्रणामी भगवती जी. श्रीमती प्रणामी भगवती या कथक केंद्र दिल्लीच्या डिरेक्टर आहेत, संचालिका आहेत. त्यांनी कथक नृत्याबरोबरच अनेक इतर शास्त्रीय नृत्याचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे. त्यांनी भारतभर तसेच जर्मनी, UK, USA, दुबई यासारख्या देशाविदेशात आपली नृत्य प्रस्तुती केलेली आहे. त्यांना भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून कथक नृत्यासाठी शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली आहे. त्यांना आसाम सरकारतर्फे अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेले आहे.
अशा कथक नृत्यांगना, नृत्य दिग्दर्शक, लेखक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, विविध स्तरांवर काम करणाऱ्या श्रीमती प्रणामी भगवती यांचे आपण स्वागत करूया जोरदार टाळ्यांनी. आणि श्री कपोते सरांना विनंती करते की त्यांनी सन्मान करावा. प्रणामी जी, मे काइंडली रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स. नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑन बिहाफ ऑफ द कथक केंद्र न्यू दिल्ली एंड इन प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल चेयरपर्सन श्रीमती उमा दोगरा, द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ कथक केंद्र, I extend my heartiest greetings to each one present here. I also extend my heartiest welcome and gratitude to our collaborators, Nankishore Cultural Society, the Bharatiya Vidya Bhavan and the Infosys Foundation for extending their wholehearted support in organizing and planning out this event. Thank you so much. Within a very short notice period, we have decided that we must do something in Pune and also in Bombay, but within a very short time they all have gathered together for the purpose of promoting this event. So I really, really am very grateful to you all. Also, the Phagun Utsav is conceptualized to promote the Holi festival, but I also have to mention that it is also a main reason to execute our meet and greet concept along with the Kathak artist, the Kathak fraternity of this region. I'm very happy to let you all know that today we had a very, very fruitful session in the morning at the Nankishore Cultural Society, wherein we had met a very vast numbers of great senior legendary artists as well as a very upcoming talented youth, and we shared some very important notions of Kathak Kendra that we have been planning to execute very soon. And I'm happy that they are already on board with us. And we assure you that Kathak Kendra will serve you for your purpose, for the benefit of your upliftment, and for the greater purpose of the entire Kathak fraternity, not only in the national scenario, but also at the international level. I welcome and I also thank all the dancers who have accepted our invitation to perform tonight. Vidushi Srimati Gauri Divakaraji, Srimati Aditi Fanse, Sarita Kaleleji, and Sharvari Jaminisji. I am so thankful to you all for accepting our invitation to perform here tonight. Not taking much time, I'd like to request you lastly to please stay associated with the Kendra's Facebook page and the other social media handles, and join us in our subscription list too. We will very soon will be uploading and upgrading our website, wherein you can subscribe us, get newsletters every month and stay connected. We will be issuing and releasing podcasts every month or maybe every week. We have been doing a lot of activities from the past 1 month, including lecture demonstrations and other workshop sessions. So whenever any of the artists from this region may happen to visit in Delhi, please let us know so that we can arrange something for you for the greater benefit of the students of Kathak Kendra there. Thank you so much. Thank you so much, Pranami ji. Nandakishore Cultural Society ani Bharatiya Vidya Bhavan ya don kalopasak sansthancha yog ya manchavar ghadlyamule Shri Kakerde ji Kapote saranna Gnaneshwari chi prat deun tyancha sanman karat ahet. आपणा सर्वांना एक गोष्ट, एक अनुभव आज घडलेला सांगू इच्छिते. नंदकिशोर कल्चरल सोसायटीच्या सुंदर आवारात एक महत्त्वाचा आणि आश्वासक असं एक चर्चासत्र आज सकाळी घडलं. सो इट देर वॉज अ वंडरफुल इंटरॅक्टिव्ह सेशन बिटवीन उमाजी, प्रणामीजी अँड द एंटायर डान्स फ्रिटर्निटी ऑफ पुणे.
And very patiently, they heard us. We could voice our concerns. We could tell them our aspirations. In turn, they shared with us their plans for the future of Kathak and all that could be done through Kathak Kendra. I must thank you on behalf of the entire Pune Dance Fraternity that we're very grateful to you for coming to us, for bringing Kendra within our reach. Thank you so much to both of you. Thank you so much. On behalf of the Kathak Kendra, Delhi, I would like to call Sri Kakarde ji and Kapote ji over here. On behalf of the Kendra, the two supportive institutions, Sri Nanda Kishore Kapote ji. It's so beautiful to see how three institutions that come together are so supportive and there is mutual admiration and respect for one another. The Kendra would also like to show their respect for Sri Kakarde ji. A big thank you to all the dignitaries. May I request you to kindly take your seats. वळूया आजच्या मुख्य कार्यक्रमाकडे. आपण सर्वजण आतुरतेने नृत्य प्रस्तुतीची वाट पाहतच असाल. Without further ado, let us begin with the Fagun Utsav with a beautiful performance by Aditi Panse. Aditi Nadgavda Panse, the younger daughter of Rekha Nadgavda, is a name well known among the young performing artists in India. Starting her training under her mother, at a tender age of 3, Aditi has completed her Kathak Alankar from Gandharva Mahavidyalaya, Miras, and a master's degree in Kathak. The CCRT and HRD scholarships holder, she is known for her intense expressions and innovative choreographies. Aditi Panse यांना भारत शासनाची ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त आहे. तसेच गुरु श्रीमती शमा भाटे, तालयोगी पंडित सुरेशजी तळवळकर, पद्मविभूषण पंडित बिरजू महाराजजी यांचे विशेष प्रशिक्षण लाभलेले आहे. नोन फॉर हर एफर्टलेस प्रोडक्शन्स, अदिती हॅज कोरिओग्राफ्ड व्हेरियस ट्रेडिशनल अँड कंटेम्पररी कोरिओग्राफीज लाईक संक्रमण, रिदमिक पॉइज टू नेम अ फ्यू. She has been grooming students in the art of Kathak since the year 2000, who have won numerous accolades in their own stead. Her skill, ability, and efforts have been acknowledged by many awards, like the Most Influential Young Woman Award by Dainik Jagran, Young Achiever Award by Savvy College, Special Achiever Award by Brijbhumi Foundation, and many more. Aditi Panse ji, I welcome you to the stage. Let us begin the wonderful Fagun Utsav.
विनायकम् गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु नमस्कार। परंपरानुसार वंदना प्रस्तुति के बाद ताल अंग में प्रवेश करने से पहले मैं उपस्थित सभी गुरुजन मान्यवर अतिथि और सभी ऑडियंस का तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले कथक केंद्र उमा दीदी नंदकिशोर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फागुन उत्सव जैसे इतने बड़े महोत्सव में एकल नृत्य प्रस्तुति का अवसर हमें दिया और ये स्टेज उपलब्ध करने के लिए भारतीय विद्या भवन का शुक्रिया। मेरी गुरु रेखा ताई, शमा ताई, आपकी इजाज़त, सभी गुरुजनों की इजाज़त लेके नृत्य प्रस्तुति सादर कर रही हूँ। पेश कर रही हूँ ताल, एक ताल, वस्तुक्रम अनुसार थाट, आमद, तत्कार, कुष्टोड़े, ताल, एक ताल। Oh,
कथक नृत्य में आमद के विविध बोल प्रचलित है। ताथे का साधा आमद, धातक का धाती टका, परंजुड़ी आमद। मैं प्रस्तुत करी हूँ ताथे का साधा आमद। ता दिग दिग ता थे ता थे आ थे आ थे ता दिग दिग आ थे ता थे ता थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता थे 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 ता थे थे ता थे न थे ता थे न थे ता थे।
चक्रधार Performing Tal Ik Tal, Aditi Tai will present Hori, Daro Na Daro, Mope Ranga Suno Suno, in Abhinay part for this prestigious festival of Phagunutsav. We all are aware of blissful and pure love between Radha and Krishna, their Ras Leela, their Chhed Chhad, and most importantly, Phagun Ki Hori in Vrindavan. But this time, Krishna finds a new way to do Chhed Chhad with Radha, by applying color, even if it's not Hori. Krishna plans to throw color on her in various ways, but fails, as she does not allow him to put any color on her when she passes by, but rather catches him and asks him to throw the color away. As this time, Radha is totally aware of what he's planning when
शी इज गोइंग बाय और पासिंग बाय सो शी सेज कुंवर कन्हाई पनघट पे आया ना करो राधा रिफ्यूजेज टू प्ले कला एंड एट लास्ट स्टॉप्स हिम एंड आस्क्स हिम इफ ही वॉज अनअवेयर ऑफ द सीजन गोइंग ऑन एज इट्स नॉट द राइट टाइम टू प्ले होरी दिस डिस्करेजेस कृष्ण एंड ही स्टॉप्स राइट देयर बट हिज फ्लूट मेक्स राधा फॉल अगेन फॉर हिज ट्रिक सो नाउ द सिनेरियो हैज चेंजेस एंड शी कन्विंस कृष्ण टू प्ले होरी बाय अप्लाइंग कलर ऑन हर ओन फेस जस्ट टू बी विथ हर बिलव्ड कृष्ण एट द एंड सो टूडेज परफॉर्मेंस ऑफ होरी बाय अदिति ताई शोज द न्यू एस्पेक्ट ऑफ राधा एंड कृष्णज लव प्रेजेंटिंग डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो इन राग भैरवी
Aditi ji, thank you Aditi ji for this beautiful lyrical performance. I kindly request Srimati Uma Dogra ji to come up on stage to felicitate our artist. It's a very sweet thing that all three institutes have given a token of appreciation for all the artists. Shri Kakarede ji would like to present you with a Naneshwari and a certificate of honor. A photo, please. थैंक यू सो मच उमा जी काकेडे जी. नहीं मिलता था, मैंने कहा बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें तो आज. आई रियली अप्रिशिएट अदिति हैज ए सम इंजरी ऑन द शोल्डर बट उसने कहीं पे महसूस नहीं होने दिया एक्सेप्ट दैट शी वाज गोइंग आउट एंड पुटिंग स्प्रे. व्हेन आई केम एंड हग्ड हर माय नोज वाज फिल्ड विद दैट स्प्रे यू नो. वेरी गुड अदिति, उसके बावजूद भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. Our next performer for today is Srimati Sarita Kareli ji, who is one of the most accomplished dancers of India today. She is a Gandaban Chagird of Vidushi Pandita Uma Dogra ji, a leading Kathak exponent of the Jaipur Gharana. Sarita ji yanni Mumbai Vidyapithatun postgraduate hi degree prapta keli asun Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya ji नृत्यालंकार ही पदवी देखील त्यांना प्राप्त आहे. ड्यूरिंग हर स्टे इन द यू के फॉर 6 years शी हॅज परफॉर्म्ड इन व्हेरियस इव्हेंट्स अँड कॉन्सर्ट्स लाईक फेस्टिवल ऑफ लाईट सँडरलँड, कथक डान्स फेस्टिवल लंडन एटसेट्रा, अँड हॅज ऑल्सो कोरिओग्राफ्ड द न्यू कासल विंटर कार्निवल टू नेम अ फ्यू. शी हॅज हॅड द ऑनर टू परफॉर्म एक्सटेन्सिव्हली बोथ सोलो अँड विथ हर गुरु at several prestigious festivals in India and abroad. For the promotion of art and culture in society, Sarita has started her own organization, Amat Society for Performing Arts. She has been honored with Singar Mani by Sur Singar Sansat and has been awarded the Nritya Nipun Award by Nalanda Dance Research Center, Mumbai. सरिता काळेजी आपल्या नृत्य प्रस्तुतीची सुरुवात करत आहेत शिववंदनेने. आदी नर्तक महादेव भगवान शंकर यांना वंदन करून राग बागेश्री व ताल चौतालमध्ये निबद्ध एक शिवस्तुती त्या प्रस्तुत करत आहेत, ज्याचं संगीत श्री मनोज देसाई यांनी केलेलं असून त्याची नृत्य संरचना गुरु विदुषी उमाजी डोगरा यांची आहे. सादर आहे शिवस्तुती. Thank you.
नमस्कार उपस्थित सभी रसिकों का और गुणीजनों का बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये रंगमंच मुझे उपस्थित हुआ, मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ अपनी कला प्रस्तुति दे सकूँ। मैं कथक केंद्र और प्रणामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी गुरु माँ आज सामने बैठी हुई है, मेरी प्रस्तुति देख रही है। दीदी आशीर्वाद दीजिए, जो भी आपसे सीखा है उसे प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूँगी। शमा ताई आशीर्वाद, नंदू दादा आशीर्वाद दिया। प्रस्तुत करने जा रही हूँ पंचम सवारी 15 मात्रा, कुछ परंपरागत चीज़ें 15 मात्रा। Thank you.
Da, 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 da
रंगों का त्यौहार, तो एक होरी प्रस्तुत करती हूँ। यह होरी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि दीदी ने मुझे मेरे गंडा बंधन पे 17 साल पहले इसको कोरियोग्राफ किया था मेरे ऊपर। कोशिश करती हूँ। Thank you.
नंद जी के छेल नंद जी के छेल
Thank you so much, Sarita ji, for this felicitate our artist. Kakrede ji, I would also request you to come up on the stage, please. She made us feel the slow, steady, and permanent love. So it was, seriously, I was deep into it. Thank you. Thank you, Pranami ji. Thank you, Kakrede ji. Our next artist is Pune's very own, Sharvari Jimenez. Yes, she is truly one of our favorite dancers. She is a disciple of Guru Pandita Dr. Rohini Bhateji, an acclaimed dancer and guru of international repute. She has done her MA in Kathak dance from Pune University, where she stood first with distinction. Apanas anek sanmananiya puraskar pradan karnat aale ahet, jasa Sangeet Natak Academy cha Ustad Bismillah Khan Yuva puraskar, Sur Singar Parishadecha Singar Mani puraskar, Pune Mahanagar Palikecha Nargis Dat puraskar ityadi. She has performed across India in all major festivals like Khajuraho Festival, Ellora Festival, Konark Festival, Orissa, Durgalal Festival, Mumbai, Kathak Festival, Delhi, etc. Thus it's Australia, Switzerland, USA, Africa, Germany, France, UK, Vietnam, asha anek deshat apan rasikanchi mana jinkleli ahet. Apan anek Marathi chitrapatanchi nritya savrachana dekhil keli ahe, jasa Bayo, My Bap, Pash, Samudra, Ek Gaav, Mukhavte, ityadi. She has also choreographed for a Hindi film called Paheli, which is very well known, directed by Shri Amol Palekarji. She has also won the Zee Gaurav Award for the travel show Bhitkanti and a Filmfare and Screen Best Award for her film Bindhast, as we all loved her in it. Sharviri ji, we are very happy to have you with us. I welcome you to the stage. Thank you. नमस्कार. उपस्थित सभी गुरुजन, गुणीजन एवं रसिकजनों को मेरा प्रणाम. मैं कथक केंद्र की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस फागुन महोत्सव में मुझे अपने नृत्य प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित किया. और विशेष रूप से उमा दीदी और कपोते सर, आपकी तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से परफॉर्मेंस तो करती रहती ही हूँ, किंतु
कथक केंद्र के महोत्सव में से जुड़े, तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कथक केंद्र से जुड़े हुए किसी भी महोत्सव में प्रस्तुति करके मुझे शायद 10 या 12 साल हुए होंगे, तो आज का ये रंगमंच मेरे लिए और ही खास है। मेरी गुरुजी आदरणीय डॉक्टर रोहिणी भाटे जी की स्मृति को अभिवादन करती हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ कृष्ण वंदना और उसके बाद ताल तीन ताल। अभिनय पक्ष के बारे में मैं आपसे फिर से वार्तालाप करूँगी, इजाज़त चाहती हूँ। कृष्ण वंदना। अच्छा, साउंड चेक होने के बाद कृष्ण वंदना। Able set of musicians here. On tabla, Nikhil Phatak. On vocal, Vaishnavi Deshpande. And harmonium, Shri Manoj Desai ji. Welcome. Namaskar. Gaanar pan hai mi aaj. Sorry. Govinda
कलवेणु वादन परम दिव्यांग भूषम भजे
आमद ता तधे दत आ अधे दत ता थे ता थे ता थे ता थे आ थे आ थे ता थे ता थे ता दे दा दा दे दा दा दे दा दे दा थे ता तद थे आ तद थे थे ता थे ता ता थे थे ता थे ता ता थे थे ता थे ता ता थे ता ता हे इधर आ आ हे इधर ता थे इधर थे ता थे ता थे आ थे आ थे ता 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 थे थे ता ता थे थे आ ता थे थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे थे ता थे ता ता थे मार्गदर्शन मुझे तालियों के पंडित सुरेश तलवलकर जी से भी प्राप्त हुआ है। ये अगली जो रचना है परिणामत, ये मुझे उन्हीं से मिली है। धा त क धुंगा किड़ धा गे दी गे दा धा दिन ता अधेत ता कीड़ धर का धुंगा ता कीट ता का ते ते का ता गे दी गे न ता धे तत थे आ धे तत थे ता धे तत थे थे ता धे ता धे थे ता धे ता धे थे 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 ता धे थे 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 ता धे थे 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 ता सी
श्री छत्रपति महाराज जी की यह बहुत ही सुंदर रचना है। इसमें निरर्थक शब्द ऐसे पिरोए हैं मानो वो शिव जी का ही वर्णन लगता है। ये ध्यान से सुनिएगा।
किट धर किट धर कि दर कर शिव शिव हर हर हरण हर कतक नटक जय जटिल जय तु जय निरंकार सौशय नवाल बम 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 भो भवाल गले मुंडमाल घे घे तनांग थे थे तलांग गुजवाल भाल सत झन झन देते दिगन्ना प्रतिपति पनाल धरड़ी मड़ी 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 मड़ डमरुनाल नदी गंदन झन झन झंगिकार छनी छनना छनना कृत थे तड़न कृत थे तड़न नागित कृत 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 ता गदा दा गदा दा गदा कृत 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 ता दा 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 dan 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 नटवरी थे त त तिक्था दर त त थे त त तिक्था दर त त थे त तिक्था दर त त तिक्था दर तिक्था दर तिक्था दर तम थे त थे त त दा त त दिन त त दिन त त दा त त दा दिन त त दिन त त था त त था दिन दिन त त ता त त ता त दिन त त दिन त त ता दा ता दा धागे दिगे नागे गे तिटे कता किड़धा ता धागे दिगे नागे गे तिटे कता तिटा ता तिटे कता तिटा ता तिटे कता किड़धा किड़धा कता धिटा ता धिटे कता तिटा ता तिटे कता धा किड़धा धागे दिगे धागे दिगे धागे धागे दिगे धागे दिगे तिटे तिटे धिटे तिटे धागे दिगे ताधर के तिटे ताधर के तिटे ता किड़धा किटे ताधर के तिटे धिटे तिटे 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 धिटे तिटे धागे दिगे तिटे 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 धागे दिगे तिटे 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 ताधर के तिटे तिटे धा तिटे धा 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 तिटे ता तिटे धा 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 धिटे तिटे तिटे धागे दिगे धा ता धा 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 ता ता Tee, 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 tee
कर पाऊंगी या भाव पक्ष करना है इसलिए देख रही थी, भाव पक्ष की तरफ मुड़ती हूँ। प्रस्तुत है होरी डॉक्टर चैतन्य कुंटे जी की, ये बहुत ही सुंदर संगीत रचना है। इस होरी के शुरू में मैंने एक छोटा सा प्रसंग दिखाया है। राधा सोचती है कि हर होरी के त्योहार पर कान्हा मुझे ढूंढ लेते हैं और मुझ पर रंग डालते हैं, किंतु इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि वो मुझे पहचान ही न पाए। वो अपने सहेलियों को बुलाती है और उनका और खुद का मुख रंग से ढाल देती है, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण है, वो अपनी राधा को झट से पहचान लेते हैं। राधा अचंभित हो जाती है, बोलती है कैसे पहचाना? तो उस पर कृष्ण जो उत्तर देते हैं वो बहुत ही प्यारा है। देखते हैं होरी।
भर भर झोली अबीर गुलाल की, भर भर झोली खेले होरी पनवारी, खेले होरी पनवारी, खेले होरी पनवारी मुरारी, रंग की पिचकारी मारी, रंग की पिचकारी मारी, रंग की पिचकारी मारी, रंग की पिचकारी मारी, रंग की भीज गई पंच रंग चुनरी, भीज गई पंच रंग चुनरी, संवादिनी श्री मनोज देसाई और पढ़ंत वैष्णवी देशपांडे। वंस अगेन थैंक यू सो मच for inviting us. Thank you so much, Kathak Kendra, for giving me, I guess, grace time of 5 minutes or more than that. Thank you so much. और द्रुत तीन ताल करने के लिए दिल्ली आऊँगी. Thank you so much, Sharvari ji, for this power-packed performance. I think she truly brought out the ulhas and utsa of Fagun really, really well. And it was really before our eyes. Beautiful. And amazing work by all. It was a team effort, truly. Thank you so much. I kindly request director Pranami ji to kindly come up on the stage to felicitate, and Kakarde ji.
आफ्टर विटनेसिंग सच अ पावर पैक्ड एंड एनर्जी से भरा शो. सो इट वॉज रियली रियली वंडरफुल एंड आई थैंक शर्वरी जी फॉर यू नो एक्सेप्टिंग आई इन्विटेशन. थैंक यू सो मच. I request all the musicians of Sharvari ji's team to kindly come on stage. Shri Manoj Desai ji on vocal and harmonium, Shri Nikhil Phatak, tabla, our next and final performer for today evening is Shrimati Gauri Divakar. She's one of the most keenly observed and reported new generation Kathak dancers. She first began training under the watchful eyes of Ms. Sumita Chaudhary and further honed her skills under the tutelage of the renowned gurus Pandit Birju Maharaj and Sri Jaikishan Maharaj ji at Kathak Kendra, and further perfected her skills under renowned exponent Shrimati Aditi Mangaldas ji. A versatile, energetic performer, Gauri has created a niche for herself and is a regular across several national and international dance festivals. To name a few, her production Hari Ho Gati Meri was showcased at the Sadler Wells in Darbar Festival, Sydney Dance Festival, Edinburgh Fringe Festival, apart from many prestigious festivals in India. She was the choreographer and lead Kathak dancer in Sukanya project by London Philharmonic Orchestra, which was to celebrate the Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji's birth centenary celebrations. To her credit, Gauri ji has more than 2,000 solo and group performances at national and international levels. Truly applause worthy. In recognition of her work, she has been awarded the Senior Fellowship by Kala Vahini Trust, Chennai, this year. In 2008, she also received the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy. And today, by training young students under her own trust, Gauri Divakar Sanskriti Foundation, she helps to keep the age-old tradition alive. Gauri ji, we welcome you on this beautiful platform. And I also welcome her musicians. On tabla, Shri Yogesh Gangani ji. Pakhwaj, Shri Ashish Gangani ji. On vocal and harmonium, Shri Samiullah Khan ji. Over to you, Gauri ji.
Gajanan, Gajanan,
गजानन इंफोसिस फाउंडेशन सभी को एक महोत्सव एक उत्सव ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है और कई बार हम पीछे की चीज़ों को नहीं समझते हैं बीइंग अ डांसर, लेकिन बहुत मेहनत की चीज़ें हैं, बातें भी हैं। सभी बड़े गुणीजन सुधीजन से आशीर्वाद लेते हुए, गलती करूँगी तो माफ़ी, और शुरू करती हूँ तान तीन ताल, समय के अंदर रहूँगी जी। मैं कोशिश करूंगी। Thank you.
उठान देगा देगा थे ता थे ता थे देगा देगा थे ता थे ता थे ता थे ता थे आ थे ता थे थे ता 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 थे ता थे आ थे ता थे थे ता 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 थे ता थे आ थे ता थे थे ता ता ये माइक एको कर रहा है मेरे लिए साउंड एको थोड़ा सा कम कर दीजिए फ्लैट कुछ भी इसमें नहीं फ्लैट माइक उत्सव है आप मुझसे बहुत सारी होली एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मेरे जीवन में जो रंगीनियत है मेरे चार कथा गुरु से आ चुकी है सबकी अलग रंग और वो कोशिश की हूँ अपनी बुद्धि के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उसके अलावा कई बड़े गुरुओं को देखा है कथा केंद्र में आते जाते वर्कशॉप करते कईयों की कोरियोग्राफी में काम किए तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके जीवन में भिन्न भिन्न रंगों को जोड़ते हैं और इस तरह से आगे बढ़ती परिणामत
इसे बंद नहीं कीजिएगा, हम आते जाते बोलते रहते हैं। खास धा की खूबसूरती धा धा त ग धूंगा धा धा के दी ग ता धा धा दिंता धा दिता गिर धा धा तक्का धूंगा धा तकीट तका धा तिटक तग दगिन धा ता थे तद धे थे तधे तत्ता धा किर्धाते धा तत्ता तत्ता धा किर्धाते धा तत्ता तत्त धा धा किर्धाते धा। ये हारमोनियम तो बिल्कुल ही बंद हो गया। समय निकल जाएगा आपके वंस मोर से, मुझे सारी चीजें करके जानी जो सोच के आई हूं। एक राम भजन मैं सुनी थी भुवनेश्वर में जयद्रित मेहुंदी जी द्वारा, और फिर जब उसकी कह सकते कि बीच में गई तो मुझे पता चला पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा गाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। खुद से कोरियोग्राफ की हूँ, करूँगी पुणे क्योंकि गुण गान कर
पर राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता ओ कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए आज फायदा हो गया एक मुझे द्रुत लय कुछ चीजें बहुत पुरानी तिहाई मिली थी महाराज जी की 96 कॉपी से सो वो चाहूंगी गलती हो गई तो माफी पर करूंगी தகதுன் 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 தகதுன்
एडिट कर रही हूँ एक्चुअली। ये चीकू भाई की बहुत खासियत है, हम चीट करते रहते थे, कॉपी करते रहते थे, होता नहीं था। कोशिश करूँगी। सांस उखड़ गई तो बहुत सुंदर दिया है। उत्सव है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, होली का जिक्र है। नायिका के मन में अपनी रंगीनियत है, किस रवस से वो रात बिताती है और सुबह आके वो एक्सप्लेन करती है, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे। संगरती
इसने गोरी दीप दीप प्रकाश गंज छवि दीप दीप प्रकाश गंज छवि मंजू मंजू हस बो दर्शन अनबोरी नैनो के डोरे लाल गुलाल भरे नैनो के डोरे लाल गुलाल भरे बीती साढ़े नौ चीज़ें काटी है, अगली बार करूँगी वापस आके। वो टाइम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ऑफकोर्स सबके सब है, लेकिन सब वापस आके करूँगी। सो आप, मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे सुन रही थी एक बार, मालिनी अवस्थी जी सब जानते ही हैं, वो कह रही थी कि मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, और मैं हक से मांगती हूँ कि नाचूँगी आके दबा के शो दे दीजिए बस। सो वही है, साढ़े नौ जो बचा है आके अगली बार पूरी करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी दीदी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रूली वंडरफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू टू ऑल द म्यूजिशियंस, योगेश गंगनी जी, आशीष जी, समीउल्लाह खान जी, व्हाट अ टीम। दीदी, योर परफॉर्मेंस वॉज ट्रूली
elegance personified, what terror, what emotion. You know, you can be the calm after a storm and the storm all at once. It's amazing. Thank you so much. I kindly request Tumaji to please come up on the stage and Shamaji to please come up on the stage to felicitate our artists. मुझे गौरी की ये एक चीज़ वाकई बहुत पसंद है, बहुत बिंदास है. मांगती भी बड़े हक से है, नाचती भी बड़े हक से है. वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने हक से अपने काम को करते हैं. वंडरफुल एंड कितने पॉइस के साथ, और बिल्कुल एक ब्यूटीफुल था वो. मैं क्या बताऊँ, इतना प्रिसिशन था तुम्हारे डांस में कि कभी नहीं लगा कि तुम चुपचाप बैठ के अभिनय कर रहे हो. मज़ा आ गया. थैंक यू. भगवती जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप भी आइए स्टेज पे. आई थिंक शर्वरी यहाँ बैठी है ना, प्लीज कम ऑन द स्टेज. दोनों डांसर्स भी हैं यहाँ पर. सरिता जी, अदिति जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. नंद किशोर कपूते जी, प्लीज आप भी आइए स्टेज पे. आप लोग जो भी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ हमें, उमा जी को, सभी आर्टिस्ट को टैग कीजिएगा, सो द होल वर्ल्ड नीड्स टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग. थैंक यू.